हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हैं इकबाल एडिटिंग। तो आज हम इस तरह का गिलास फ़ोन बनाएंगे न्यू फ़ोन के साथ, और ये भी फ़ोन तो मैं ही बनाया हूँ, मॉडिफाई किया हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं, उसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं गैलरी से। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम इसी तरह का फॉन्ट और वीडियो बनाते रहते हैं। और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई कोई वीडियो डाले आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छे से एडजस्ट कर लेना इसको, क्योंकि ये नॉर्मल फॉन्ट तो है नहीं जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो। ये हो जाने के बाद इसको हम मर्ज कर लेते हैं, ताकि इसका साइज को इंक्रीज कर दें। हो जाने के बाद इसको हम ट्रांसपेरेंट में हम सेव करेंगे, सेव टू इमेज अल्ट्रा पे हम इसको सेव करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद PSCC को ओपन करते हैं, फोटो ये ले लेने के बाद फिर से हम प्लस पे जाएंगे और इस बार जो हम पिक्सल लैब में जो ऐड किए हैं उसे ले लेते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद प्लस पर जाने के बाद इसका दो डुप्लीकेट बनाएंगे। डन। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके FX में जाएंगे और इसको लाइटन करेंगे, सर्कल को बाहर निकाल देंगे। ओके कर दे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन दूसरे नंबर को सिलेक्ट करना है, FX में जाना है, यहाँ से ड्रॉप शैडो में जाएंगे। इसका एंगल जो है 120 के पास आसपास रखेंगे, 120, और ब्लर को हम 6 कर देंगे और डिस्टेंस 4, कलर ब्लैक। इसका हम ब्लेंडिंग मोड मल्टी रखेंगे। फिर लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, FX में जाएंगे, इसमें बेबल लगाएंगे। बेबल के लिए हम इसमें कलर हम ब्लैक लेंगे और एंगल 0, एंगल 0, ब्लर 20, डिस्टेंट भी नहीं, इसको हम 8 रखेंगे और ब्लर को हम 16 रखेंगे, डिस्टेंट को हम 8 रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेबल लगाएंगे इसमें। उसके बाद इसका हम ब्लेंडिंग मोड लाइटन कर देंगे। फिर दूसरे नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसी में से लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके प्लस में जाएंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे। यहाँ से हम एक टेक्सचर ले लेते हैं, गोल्डन कलर का। उसके बाद हम बीच वाले लेयर से यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे
ये वाला, और ये टिक लगा देंगे। यहाँ से हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम काट देंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, और फिर से हम यहाँ से वही ले लेते हैं टेक्सचर्स, साइज को छोटा कर लेंगे, और फिर से हम बीच वाले लेयर से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और फिर से इस पे आके टेक्सचर पे आके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, इसको काट देंगे। ये भी हो गया, और फिर से यहाँ से ले लेते हैं। सेम प्रोसेस है, फिर से हम बीच वाले से सिलेक्ट करेंगे और ये टेक्सचर पे आके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर से हम यहाँ से ले लेते हैं, फिर से बीच वाले से हम सिलेक्ट करेंगे और टेक्सचर में आके इसको हम काट देंगे। ये हो जाने के बाद हम इसको मर्ज कर लेते हैं, प्लस पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मर्ज डाउन कर लेंगे, मर्ज हो गया। उसके बाद बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करेंगे पिक्सल, और इसमें हम कलर फिल करेंगे रेड कलर, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम ग्रीन लेंगे, और इसे भी सिलेक्ट करके इसका भी हम यहाँ से ब्रश लेके और कलर ग्रीन, इसको हम आधा कलर करेंगे। ब्रश का साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आधा कलर कर लिया है। उसके बाद फिर से हम सिलेक्ट टूल लेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम कलर चेंज करके ले लेते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाने के बाद यहाँ से हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और नीचे आके कलर फिल करेंगे, इस पर कलर वाइट टेप हम न्यूज रखेंगे। इसी तरह से यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और दूसरे पर से कलर फिल कर दिए, यहाँ से हम कलर फिल करेंगे जिसमें हम पेपर लगाए हैं, इसका हम अमाउंट 30 रखेंगे। इसी तरह यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले से हम कलर फिल करेंगे, इसका भी अमाउंट हम 30 रखेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बीच वाले से जिसमें हम ड्रॉप शैडो लगाया, और बेबल वाले से हम कलर फिल करेंगे, अमाउंट 30। इसी तरह इसमें भी अमाउंट 30। ये टिक लगा रहना चाहिए, ये टिक नहीं लगेगा तो पिक्सल सिलेक्ट पूरा हो जाएगा, सही से सिलेक्ट नहीं होगा पिक्सल। नीचे वाले से हम फुल स्टॉक से कलर फिल करेंगे, इसके बाद हम इसी तरह ऊपर वाले से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले से कलर फिल करेंगे, इसमें सिल्वर ही रहेगा इस बार।
अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। ये हो गया, अब इसमें हम एक PNG डालेंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको हम पहले फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से ग्लो ले लेते हैं। पिक्सल को पहले डिसलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, ग्लो में जाएंगे, कलर वाइट और 0.1। उसके बाद हम बीच वाले लेयर का डुप्लीकेट बनाएंगे, लास्ट वाले का भी एक डुप्लीकेट बनाएंगे और लास्ट वाले का ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर देंगे। उसके बाद हम ये फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, अब प्लस में जाएंगे, यहाँ से फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से हम ये फ़ोटो ले लेते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से इसको एडजस्ट करके डालना। ये हो गया, अब इसमें हम फिर से फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट PNG लेंगे, इसका भी ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर देंगे। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें एक चीज़ और डालना बाकी रह गया, तो भी हम डाल देते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे और लाइट PNG है उसे भी हम डाल देते हैं। इसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है लाइट का, पर फिर भी हम डाल दे रहे हैं क्योंकि आँख की जगह पे हम डाल दे रहे हैं। ये भी अच्छा दिखेगा अगर इस पर हम कलर डाल देते हैं, इस तरह से डाल ही देते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देख सकते हो, तो इसको हम डन करेंगे, सेव करेंगे।